हमीरपुर डिग्री कॉलेज में छात्रों की आपसी मारपीट से बिगड़े माहौल को लेकर एबीवीपी ने कॉलेज प्रशासन को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया है। हमीरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान एबीवीपी के सीधे तौर पर कॉलेज में हो रही घटनाओं के लिए एसएफआई संगठन के साथ साथ कॉलेज प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। एबीवीपी ने पुलिस पर भी मिलीभगत होने का आरोप लगाते हुए एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का आरोप चढ़ा है। हमीरपुर डिग्री कॉलेज में छात्रों की आपसी मारपीट से बिगड़े माहौल को लेकर एबीवीपी ने कॉलेज प्रशासन को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया है। हमीरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान एबीवीपी के सीधे तौर पर कॉलेज में हो रही घटनाओं के लिए एसएफआई संगठन के साथ साथ कॉलेज प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। एबीवीपी ने पुलिस पर भी मिलीभगत होने का आरोप लगाते हुए एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का आरोप चढ़ा है। पत्रकार वार्ता के दौरान एबीवीपी के सदस्य ने कहा कि कॉलेज में लड़ाई एसएफआई के कार्यकर्ता कर रहे हैं, तो पुलिस में केस एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर बनाए जा रहे हैं, जो कि पूर्णतया गलत है। उन्होंने कॉलेज प्रशासन से पूछा है कि कॉलेज में दो ऐसे छात्र दाखिल हैं जिन पर पुलिस में धारा 307 के तहत केस दर्ज है, और अब भी लड़ाई झगड़ों में ये दोनों छात्र शामिल हैं। ऐसे छात्रों को कॉलेज में किस आधार पर एडमिशन दी जा रही है? उन्होंने कहा कि एसएफआई संगठन के द्वारा झूठे केस दर्ज करवाए जा रहे हैं और इन मामलों में कॉलेज प्रशासन के साथ पुलिस भी पूरा साथ दे रही है। प्रशासन साहब के माध्यम से पूछना चाहते हैं, दो ऐसे छात्र हैं जिनके ऊपर 307 के तहत मुकदमे दर्ज हैं, जो बेल पे हैं, 30-30 दिन वो अपना जेल में काट कर आए हैं, और उनको और वो पहले चार बार जो रेस्ट्रिक्टेड हो चुके हैं कॉलेज से, एक बार नहीं दो बार नहीं चार बार वो रेस्ट्रिक्टेड कॉलेज से उसके, फिर भी उनको वहां पे एडमिशन दी गई। 2014 से वो वही उसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जब हम उस कॉलेज में आए तक नहीं थे, दो दो साल पहले वो उस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, और आज जैसे ही उस उनमें से एक छात्र की एडमिशन वहां पे होती है, उससे और वही पुराना लड़ाई का दौर शुरू हो जाता है। तो हमें इस बात की पुष्टि करनी होगी, ये बात देखनी होगी कि किन अराजक तत्वों की वजह से कॉलेज में ये माहौल खराब हो रहा है, किन लोगों के एडमिशन की वजह से ये चीज हो रही है। जितने भी जो एसएफआई के कार्यकर्ता है, जिनका पहले भी नाम आया है और जो पहले भी कॉलेज से रेस्ट्रिक्टेड हुए हैं, विद्यार्थी परिषद ये मांग उठाती है कि जल्द से जल्द कॉलेज उनको यहाँ से निष्कासित करे। उन्होंने कहा कि कॉलेज परिसर में एसएफआई के गुंडा तत्व सरेआम हथियार लेकर घूमते हैं, लेकिन कॉलेज प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है। उन्होंने चेताया कि अगर इस तरह की घटनाओं पर अंकुश नहीं लगाया जाता है, तो एबीवीपी पूरे प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगी। कॉलेज प्रशासन जो है वो पूर्ण रूप से जो ऐसे भाई के लिए, ऐसे हम देख रहे हैं कि ऐसे भाई जैसे कॉलेज में जो कम्युनिस्ट विचार के लोग हैं, जो ऐसे भाई के सीपीएम के लोग हैं, जो बाहर से आ रहे हैं, उनके बोलने के आधार पर वहां पे काम हो रहा है, हम स्पष्ट देख सकते हैं। अगर लड़ाई एसएफआई के कार्यकर्ता कर रहे हैं, तो केस एबीपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर क्यों दर्ज हो रहे हैं? अगर एसएफआई के कार्यकर्ता कॉलेज के अंदर लड़ाई कर रहे हैं, तो कॉलेज से एसएफआई के कार्यकर्ताओं के नाम आने चाहिए थे, लेकिन वो बोलते हैं कि हमें उनके नाम पता नहीं है। जब उसको कॉलेज के जी मंडे को चार लोग सम्मिलित थे, उनका एक कैंपस सेक्रेटरी है, और दो लोग तो वैसे हैं जिनके ऊपर पहले से 307 के तहत मुकदमा दर्ज है, और एक अन्य कार्यकर्ता उनका और है, और उसके ऊपर पिछले कल भी वहां पे पुलिस में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इतने उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को गर्म रोड़ों से पीटा और जानलेवा हमले हमारे ऊपर की, लेकिन कड़ी कार्रवाई नहीं हुई। तभी उनके पास इतना साहस आया कि अगले दिन आके भी वो कुकरी का प्रयोग वहां पे कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं के मतलब वहां पे घायल कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन कड़ा संज्ञान वहां पे नहीं ले रहा है। अगर पुलिस प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई वहां पे की होती, तो अगले दिन ऐसा वाकया नहीं होता। भक्तों चलो एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।